भारत एक अध्यात्म प्रधान देश है। यहां दर्शन, भाषा, साहित्य, लोक जीवन, ललित कलाएं सभी आध्यात्मिकता से प्रेरित हैं। भारत में सभ्यता के आदिकाल से धार्मिकता और कला कहीं ना कहीं देश में विद्यमान रही है, और यही कारण है कि भारतीय संस्कृति विश्व में अपना अलग स्थान रखती है। विंध्याचल पर्वत की श्रेणियों और बेतवा नदी के किनारे के समीप उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में देवगढ़ नामक स्थान है, जो झांसी जिले से 130 किलोमीटर और ललितपुर जिले से सिर्फ 33 किलोमीटर दूर है। इन छोटी छोटी पहाड़ियों और प्राकृतिक सौंदर्यता के बीच बसा ये देवगढ़ जैन और वैष्णव संप्रदाय की मूर्ति कला का केंद्र रहा है। देवगढ़ की खोज सन 1871 में चार्ल्स स्ट्रोहन ने की थी। 1097 ईस्वी में चंदेलों ने इस जगह का नाम कीर्तिगिरी रखा। मंदिर में मिले राजा भोज के नवी शताब्दी के शिलालेखों में इस जगह का नाम लुचिकागिरी था। फिर बाद में जैन समुदाय के लोगों ने यहां बने मंदिरों के कारण 19वीं शताब्दी में इसे देवगढ़ नाम दिया। बुंदेलखंड में प्राप्त गुप्तकालीन प्रतिमाओं में देवगढ़ का दशावतार मंदिर ही एक ऐसा देवालय है जहां गुप्तकालीन श्रेष्ठ व कलात्मक प्रतिमाओं को देखा जा सकता है। भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस मंदिर के बारे में पहली बार सन 1874 से 77 के बीच अपने दौरे में बताया था। भगवान विष्णु के दशावतारों की उपस्थिति के कारण इसे दशावतार मंदिर कहा गया है। इस मंदिर का निर्माण लगभग सन 470 में भारतीय इतिहास के स्वर्ण युग में हुआ था, जब गुप्त वास्तुकला अपने पूर्ण विकास पर थी। यह पंचायतन शैली में बने मंदिरों में प्राचीनतम है, जिसका अर्थ है एक मंदिर जहां मुख्य मंदिर चार सहायक मंदिरों से घेरा हुआ है। यह प्रथम गुप्तकालीन मंदिर है जिस पर शिखर बनाया गया था, जो कि अब नष्ट प्राय अवस्था में है। इस मंदिर में तीन फलकों पर कलात्मक, सजीव और मौलिक प्रतिमाएं रूपायित की गई हैं। एक फलक पर नर नारायण बद्रिकाश्रम में शिलाखंडों पर विराजमान है। दूसरे फलक पर श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णित गजेंद्र मोक्ष की प्रतिमा के सुंदर दर्शन है। तीसरे फलक पर भगवान विष्णु शेषनाग के फनों की छाया में विश्राम कर रहे हैं। मंदिर के गर्भगृह में जाने की अनुमति नहीं है। प्रवेश द्वार पर पत्थर की चौखट है, जिस पर अनेक देवी देवताओं और गंगा यमुना की मूर्तियां बनी हैं। कुल मिलाकर देवगढ़ का दशावतार मंदिर ऐतिहासिक रूप से प्रथम उत्तर भारतीय मंदिर होने के साथ कला प्रेमियों के लिए सुखद स्मृतियों से कहीं ज्यादा है। यहां से थोड़ी दूर पहाड़ी के ऊपर जाने पर जैन मंदिरों का परिसर है। इस मंदिर परिसर का निर्माण एक पुराने किले के स्तर पर किया गया, जिसे करनाली किले के नाम से जाना जाता था। परिसर के अंदर 8वीं से 10वीं शताब्दी में बने 41 जैन मंदिर थे, जिनमें से अब 31 ही शेष बचे हैं।
यहां 19 मान स्तंभ और दीवारों पर लिखे लगभग 500 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इन मंदिरों की सजावट चंदेल राजाओं ने बेहद खूबसूरती से कराई। जैन मंदिर में तीर्थकर शांतिनाथ को समर्पित मंदिर संख्या 12 शिल्प की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। यह मंदिर लाल बलुआ पत्थर से बना है। देवगढ़ का यह स्थल 8वीं से 17वीं शताब्दी तक एक जैन केंद्र था। यहां लगभग 2000 मूर्तियां हैं, जो दुनिया में इस तरह का सबसे बड़ा संग्रह है। जैन समुदाय के लिए यह महत्वपूर्ण तीर्थ है और पूरे देश के शोधकर्ताओं को भी आकर्षित करता है। यहीं से जंगल के रास्ते होते हुए एक कच्चा रास्ता हमें बौद्ध गुफाओं तक ले जाता है। पिछले कुछ वर्षों में प्रकाश में आया कि यह गुफा यहां पर गुप्तकालीन शिल्पकला को साबित करती है कि प्राचीन काल में यहां जैन, वैष्णव और बौद्ध धर्म का अस्तित्व एक साथ था। यहां काफी संख्या में बौद्ध प्रतिमाएं पहाड़ी को काटकर उकेरी गई हैं। यहीं से जंगल का रास्ता हमें बेतवा नदी के किनारे ले जाता है। इस पहाड़ी से बेतवा नदी का दृश्य अत्यंत मनमोहक और सुकून देने वाला है। यहां की खूबसूरती अतुलनीय है, जो कई सैलानियों को यहां पर खींच लाती है। हर महीने में एक आध बार ही आता हूं, तो इधर आने पे एक तो शांति काफ़ी मिलती है, क्योंकि 10-15 किलोमीटर के सर्कल में सिर्फ जंगल ही जंगल हैं। दूसरा ये है कि इधर धार्मिक क्षेत्र से, मैं चूंकि जैन हूँ तो धार्मिक क्षेत्र से भी ये महत्व रखता है मेरे लिए। इन पहाड़ियों को काटकर बनाई गई ये छोटी छोटी गुफाएं किसी समय में ध्यान लगाने के लिए प्रयोग की जाती थी। वास्तव में यहां खूबसूरती देखकर और इतने पुराने मंदिरों के दर्शन पाकर मैं तो धन्य हो गया। ऐसे कई सारे खूबसूरत और शिल्पकला से भरपूर स्थान हमारे बुंदेलखंड को गौरवान्वित करते हैं और पर्यटन मानचित्र पर अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में भी लाभप्रद साबित हो सकते हैं।